કીમ નજીક આવેલા કુડસડ ગામ ખાતે કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવવા માટે ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ તેમજ ગામના અગ્રણીઓ દ્વારા સેનેટાઇઝિંગ તેમજ ડીડી પાવડરના છંટકાવની સાથે માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કુડસદ ગામ ખાતે રહેતા અજય યાદવે હાલની કોરોનાની લોકડાઉનની સ્થિતિમાં નોકરી ધંધે નહીં જોનાર શકનાર એવા તેમના 16 જેટલા ભાડુઆતોને પણ મકાનનું ભાડું માફ કરી દઈને ભાડુતોને મુશ્કેલીના સમયે દુઃખમાં સહભાગી બન્યા હતા. समूह सातनगर में रहता हूँ, जो है उत्तर प्रदेश का हूँ. जो है सर, हमारे रूम मालिक जो है भाड़ा जो है माफ़. रूम मालिक का नाम क्या आपका? रूम मालिक का नाम अजय कुमार यादव है. उन्होंने भाड़ा माफ़ कर दिया है. जो है लाइट बिल देना है, जो है हम लोग लाइट बिल दे रहे हैं यहाँ. मतलब किसी चीज़ की कोई सामान की दिक्कत नहीं है, सब जो है आराम से मिल रहा है. जो प्रॉब्लम भी है उसको हमारे रूम मालिक जो है सुगमता से उपलब्ध करा रहे हैं. कितना रूम है आपका सर? यहाँ जो है ये 16 रूम इनका है सर. 16 रूम है, ठीक है. पंचायत महबूब भाई के मतलब अपील के जरिए से हम रूम मालिक जैसे हम अपने भाड़ा जो है हमारे जितने रूम मालिक सब हैं. मतलब आप मालिक हो? हाँ मैं मालिक हूँ. आपका क्या नाम है? अजय कुमार यादव. अच्छा, तो कितने महीने तक आप माफ़ कर रहे हो ये भाड़ा? अभी मैं अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं ऑलरेडी एक महीने बोल दिया हूँ भाई भाड़ा नहीं देना है किसी को. आगे जैसा होगा सरकार का जैसा मतलब लॉकडाउन चलेगा उसी हिसाब से मतलब फिर आगे डिसीजन लेंगे. बराबर. लाइट बिल आप क्या करेंगे? लाइट बिल बोल दिया कि मतलब लाइट बिल दे देने का भाड़ा हमको नहीं चाहिए. और कोई भी परेशानी ऐसा होगा उसके लिए हम खड़े हैं अपने सरपंच साथ में. जो भी होगा हमारे रूम भाड़े थे मैं उनके लिए खड़ा हूँ. जमुआनों व्यवस्था हो जाए लोग जमुआनों व्यवस्था सबको सब बना के खाते सब सहयोग है. मतलब सबको हम कोई भी दिक्कत पड़ता है बाढ़ के लोगों में उसके लिए हम लोग खड़े हैं. सरपंच के माध्यम में राशन वासन जो भी आया हम लोग सबको अपना सब पूरा करवा रहे हैं. ओके चलो. इसमें डबी छो ने मरी मिसिस कुरसर गामना सरपंच है अने असमोसर विस्तारना अंदर जे मने महामारी जे कोरोना वायरस ने जे महामारी चाली रही है एना अंदर जे समोसर विस्तारना अंदर જે ભાડાના મકાનમાં પરંપાંટીઓ માણસો જે રહે છે તેના અનુસંધાનમાં વિજયભાઈ યાદવ કરીને એક માલિક છે. એમણે મને પૂછ્યું કે સરપંચી આપણે રૂમનું ભાડું આપણે માફ કરી દેવાનું થાય છે તો લોકોનું આજે હવે વિજયભાઈ યાદવ પોતાના ભાડું પાસેથી ભાડું લેશે નહીં. લોકડાઉન ચાલુ રહેશે ત્યાં લગીનું અને માફ કરે છે ભાડું. આજે તમારા માધ્યમથી બધા જ લોકોને હું આજે રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જેટલા બી ભાડું લોકોનું માલિક લોકો ભાડું માફ કરે સ્વૈચ્છિક રીતે અને પોતાની મરજીથી એવી હું આશા રાખું છું.